अब बात करते हैं ये जो बिजनेस रिस्क है इसका नेचर क्या है, मतलब इसके अंदर क्या मतलब फीचर्स क्या है। तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस रिस्क है उसके नेचर देखो। नंबर एक, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, रिस्क इसीलिए तो है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर अनसर्टेन ना होता तो कोई रिस्क नहीं होता। दूसरा इसका नेचर है बिजनेस रिस्क का कि एवरी बिजनेस की जो बिजनेस रिस्क है वो हर एक बिजनेस में होता है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो। रिस्क इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ एवरी ईच एंड एवरी बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस की खासियत क्या हुई, एक कि ये हर एक बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। थर्ड इसका फीचर है कि जो बिजनेस रिस्क है वो एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस रिस्क है वो डिपेंड करता है बिजनेस का साइज क्या है और उसका नेचर क्या है। साइज जैसे कि एक होता है लार्ज बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, तो जितना बड़ा बिजनेस होगा उसका रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा है। और एक होता है स्मॉल स्केल बिजनेस, जितना छोटा बिजनेस होगा उसका रिस्क भी उतना ही छोटा होगा। तो मान लिया दो बिजनेस है, एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई 5 लाख, एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई 5000, ठीक है। अब दोनों के दोनों लॉकडाउन की वजह से दोनों बिजनेस बंद हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देखो जितना बड़ा ये बिजनेस था इसका उतना बड़ा लॉस हुआ, 5 लाख रुपए का लॉस हुआ, लेकिन रिस्क इसको भी है, लेकिन कितना रिस्क है, इसका रिस्क सिर्फ 5000 रुपए का, कि जो 5000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो इसकी ब्लॉक हो गई, है ना। तो इसका मतलब बिजनेस रिस्क, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, जितना छोटा बिजनेस होगा उसका छोटा रिस्क होगा। और ये रिस्क नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कर कौन सा रहे हो। इसका भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक के पास एक का बिजनेस है जो कॉस्मेटिक का सामान बेच रहा है, एक का बिजनेस है जो फ्लावर्स बेच रहा है, फूल बेच रहा है, ठीक है। तो अब फिर से लॉकडाउन हो गया, अब लॉकडाउन की वजह से इस कॉस्मेटिक वाले का जो बिजनेस रिस्क है वो कम होगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या खराब होगा, कि इसमें कुछ पेरिशेबल नहीं है ऐसा कुछ कि बिल्कुल खराब हो जाएगा अगर 20 दिन का या एक महीने का लॉकडाउन हो गया, तो इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई रिस्क नहीं है, कम रिस्क है बहुत। लेकिन फ्लावर्स जो है इसका रिस्क बहुत ज्यादा है कि एक महीने में जो भी उसने फ्लावर्स से उसके पास वो तो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि जो रिस्क है वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, कैसा बिजनेस है। नॉन पेरिशेबल आइटम में कम रिस्क है, जो पेरिशेबल आइटम है उसमें ज्यादा रिस्क है, है ना। एक और इसका लास्ट जो है पॉइंट वो है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस रिस्क, कि अगर कोई भी बिजनेसमैन रिस्क लेता है, क्यों लेता है, आप कहोगे जब इतना रिस्की है बिजनेस तो फिर मतलब हम बिजनेस रिस्क लेते ही क्यों है। बिजनेसमैन रिस्क इसलिए लेता है क्योंकि उसको उस रिस्क की वजह से रिस्क का एक रिवॉर्ड मिलता है और वो रिवॉर्ड है प्रॉफिट, ठीक है। और रिस्क के साथ भी ऐसा ही है, मोर रिस्क, जितना ज्यादा रिस्क होगा मोर प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेस रिस्क, जितना कम रिस्क होगा उतना ही प्रॉफिट भी कम होगा, लेस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारे जो थे ये नेचर है बिजनेस रिस्क का, एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं कि जो बिजनेस रिस्क है पहली बात अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है, दूसरा बिजनेस रिस्क हर एक बिजनेस के साथ मतलब अटैच्ड है, इन्वॉल्व है। थर्ड कि बिजनेस रिस्क जो है बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज होगा बिजनेस का उतना ज्यादा रिस्क होगा, जितना छोटा साइज होगा बिजनेस का उतना छोटा रिस्क होगा। और बिजनेस रिस्क जो है नेचर पे भी डिपेंड करता है, एग्जांपल मैंने दिया था इसमें, जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स बेच रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस रिस्क कम है, जो पेरिशेबल आइटम्स बेचते हैं उनका बिजनेस रिस्क ज्यादा है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमने इसका जो फीचर्स में पढ़ा था बिजनेस रिस्क का, कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस रिस्क लेते हैं जो भी बिजनेसमैन उसका रिवॉर्ड उसे मिलता है इसलिए वो रिस्क लेता है, रिवॉर्ड क्या है प्रॉफिट। तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम प्रॉफिट होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फीचर्स बताने हैं आपको,
और ये बिजनेस के फीचर्स हम फर्स्ट जो इसकी वीडियो थी, फर्स्ट क्लास थी इस चैप्टर की, उसमें हम कर चुके हैं। क्या क्या थे आपको याद होगा कि बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होता है या फिर सेल एंड परचेज होता है। दूसरी क्या खास बात थी बिजनेस के अंदर, क्या करेक्टरिस्टिक्स थी इसकी, कि इसके अंदर गुड्स या सर्विस होनी जरूरी है, है ना, कि जो बिजनेस कर रहा है कोई भी पर्सन जो बिजनेसमैन है वो या तो गुड्स का बिजनेस कर रहा होगा या सर्विस का बिजनेस कर रहा होगा। थर्ड, ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ये हमेशा रेगुलर बेसिस पे होती है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि कोई सिंगल ट्रांजैक्शन अगर मैंने की है तो वो सिंगल ट्रांजैक्शन कोई भी बिजनेस नहीं कहलाती। अगर मैंने अपनी पुरानी कार सेल कर दी है, दैट मीन्स ये नहीं है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, वो कि मैं अब कार का बिजनेस कर रहा हूं, नहीं, अपनी पुरानी कार बेचना वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है और वो रेयर है, वो फ्रीक्वेंट नहीं है, ठीक है। तो हाँ, अगर एक कार डीलर है वो कार की सेल परचेज करता है तो उसके लिए, क्योंकि वो रेगुलर कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर ऑफिस है, शॉप है, तो वो उसके लिए बिजनेस है। मेरे लिए अगर मैंने अपनी पुरानी कार बेची है तो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और फीचर है बिजनेस का कि इसके अंदर प्रॉफिट मोटिव होता है। बिजनेस जो है हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, ठीक है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है दैट मीन्स वो बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है, ये जो रिवॉर्ड होता है, यानी कि जो रिटर्न होता है, इसका जो रिटर्न होता है वो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन का मतलब है कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर प्रॉफिट या फिक्स्ड हो कि जी इतना प्रॉफिट हर बार, हर महीने या हर साल हो गई होगा। इसका जो रिटर्न है, रिटर्न को यहां पे मैं प्रॉफिट कह सकते हो, कि जो रिटर्न है बिजनेस का, जो प्रॉफिट है वो अनसर्टेन है, श्योर नहीं है कि एक फिगर कि आपने सोच लिया कि इतना प्रॉफिट आपने सोचा तो उतना ही होगा और हर साल उतना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क, कि हर एक बिजनेस के अंदर रिस्क जरूर होगा, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो रिस्क फ्री हो, ठीक है। तो ये बिजनेस के फीचर्स हैं कि कोई भी बिजनेस होगा उसके अंदर ये फीचर्स जरूर होंगे। तो एनसीईआरटी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में और बहुत ईजी है। अगर आपको ये पता है कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर आपका इसका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर इसका कंपैरिजन बहुत इजी है। देखो मैंने एक टेबल बनाई है, टेबुलर फॉर्म में ही आप करके आना एग्जाम में, इजी रहेगा। सबसे पहले इधर है बेसिस, फिर ये बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। देखो सबसे पहले आते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट पे, कि बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो सेल्फ डिसीजन होता है, खुद डिसाइड करते हैं, है ना। प्रोफेशन में क्या आप जो मर्जी चाहे प्रोफेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते। बिजनेस तो आप जो मर्जी चाहो कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशन आप जो मर्जी चाहो नहीं कर सकते। इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको करना है तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है और सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है आपको। यानी कि अगर आपका मन है कि आप डॉक्टर का एक क्लिनिक खोलो तो आपकी मर्जी से नहीं खुलेगा वो, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। किसकी? जो एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, जिसको मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, ICMA, ठीक है। तो इससे आप मतलब आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा ICMA, आपको जब आप पेपर क्लियर, एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको मेंबरशिप देगा, तब आप डॉक्टर बनोगे, तब आप ये प्रोफेशन शुरू कर सकते हो। यानी कि जैसे अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आप पहले पेपर करोगे क्लियर, फिर उसके बाद मेंबरशिप लोगे। किसकी? बार काउंसिल की। मैंने आपको बताया था जो एडवोकेट है उनकी एक जो एसोसिएशन है उसको बार काउंसिल बोलते हैं। तो बार काउंसिल की आप मेंबरशिप लोगे, सर्टिफिकेट लोगे, तब आप ये प्रोफेशन कर सकते हो, है ना। टीचिंग करनी है आपको तो टीचिंग करने के लिए आपको वही सर्टिफिकेशन यानी कि बीएड करना पड़ेगा, फिर सीटेट का मेंबरशिप लेनी पड़ेगी यानी कि सीटेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब आप टीचर बनते हो, ठीक है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है, सेल्फ डिसीजन, खुद डिसीजन लिया बन गए, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसका एस्टेब्लिशमेंट खुद डिसाइड करते हैं हम। इसका एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको मेंबरशिप या सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए आप कैसे आप एस्टेब्लिश करते हो? अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए आपको, यानी कि एम्प्लॉयर की मर्जी होनी चाहिए, तब आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। तो तीनों की एस्टेब्लिशमेंट समझ में आ गई, ये सेल्फ डिसीजन, ये मेंबरशिप लेकर और ये अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। उसके बाद आ जाते हैं नेचर एंड वर्क, कि इनका नेचर और वर्क कैसा है। बिजनेस का जो नेचर एंड वर्क है वो है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। आपको पता है बिजनेस कोई भी हो वो या तो गुड्स दे रहा होगा या सर्विस बेच रहा होगा, है ना।
प्रोफेशन जो होता है इसका क्या करते, ये क्या इसका नेचर है, इसका वर्क क्या है, रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि सिर्फ ये प्रोफेशनल ही कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट सर्विस, क्योंकि ये इन्होंने एक ऐसा सर्टिफिकेशन लिया होता है, ये एक्सपर्ट होते हैं अपने सर्विसेज में, तो ये एक्सपर्ट सर्विस रेंडर करते हैं, पर्सनलाइज्ड करते हैं, पर्सन टू पर्सन, मतलब इनकी सर्विसेज ये डिपेंड करती है कि किसको कैसी सर्विस चाहिए, ठीक है, तो ये पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस देते हैं। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर क्या वर्क है, क्या नेचर है, इसके अंदर ये वो काम करते हैं जो इनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। जब इनको नौकरी मिलती है तो इनके एम्प्लॉयर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है, भाई आप, हम आपको नौकरी दे रहे हैं, आपको ये काम करना होगा, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो एम्प्लॉयर बोलेगा ना हमारा बॉस कि आपका आपका ये प्रोफाइल है, आपको ये काम करना है, तो उसे ही हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो समझ में आ गया तीनों का नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज देना, इसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस देना, और इनका काम क्या है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है वो परफॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं चाहिए, आप ग्रेजुएट करके बिजनेस कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके बिजनेस कर लो, आप दसवीं पास करके बिजनेस कर लो, बारहवीं पास करके बिजनेस कर लो, मत पढ़ो तो भी बिजनेस कर लो, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रोफेशन जो होता है इसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक चाहिए चाहिए, जैसे आपको डॉक्टरी करनी है तो आपको स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए, एमबीबीएस क्लियर करना पड़ेगा, है ना, आपको एडवोकेट बनना है तो उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, टीचर बनना है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मर्जी है किसकी, बॉस की, प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर, बॉस ने जो कह रखा है वो क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, वो बॉस की मर्जी है। अगर बॉस को बहुत छोटा सा काम कराना तो बारहवीं पास भी अलाउ कर देता है, या अगर बॉस को कोई हाई प्रोफाइल उसको बनना चाहिए तो वो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगता है, एमबीए भी प्रिस्क्राइब करता है कि मुझे एमबीए चाहिए किया हुआ, एमबीए कि मुझे एमबीए किया हुआ पर्सन चाहिए, है ना। तो क्वालिफिकेशन इसका मतलब इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसमें स्पेसिफिक चाहिए, इसमें वो क्वालिफिकेशन चाहिए जो एम्प्लॉयर कहता है, जो बॉस कहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिवॉर्ड, बिजनेस करते हैं तो उसका क्या रिवॉर्ड मिलता है, प्रॉफिट की शेप में मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है ना रिटर्न में बिजनेस को। प्रोफेशनल्स को क्या मिलता है, प्रोफेशनल को प्रॉफिट नहीं मिलता, फीस मिलती है। कभी भी हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर का इतना प्रॉफिट है, नहीं, डॉक्टर की फीस होती है, हम ये नहीं कहते वकील को प्रॉफिट नहीं, वकील की फीस होती है, है ना। आप ट्यूशन मुझे जो पैसे देते हो वो मेरी फीस है, ठीक है, तो मतलब ये जो ट्यूशन बिजनेस है ये भी प्रोफेशनल्स ही है हम, तो इसका मतलब बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशनल्स को फीस मिलती है, और जो एम्प्लॉयमेंट जॉब करते हैं उनको सैलरी एंड वेजेस मिलती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है, हाँ जी होती है, कितनी, एज पर साइज ऑफ बिजनेस, जितना बिजनेस का साइज होगा उतनी इन्वेस्टमेंट है। क्या प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट है, लो, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसकी जितनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि फैक्ट्री है, मशीनें है, ऐसा कुछ नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट है और बिना इन्वेस्टमेंट भी काम हो जाता है। और एम्प्लॉयमेंट जो है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो नौकरी होती है, उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो ना, वर्क फॉर अदर्स, तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद रिस्क, रिस्क में बिजनेस के अंदर क्या रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, प्रेजेंट है, ये हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां रिस्क ना हो, हर एक बिजनेस में रिस्क जरूर जरूर होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन में हाँ होता है, लेकिन बहुत लो रिस्क होता है, इसके जैसा नहीं है, मतलब इसमें तो हाई रिस्क होता है, इसमें कम रिस्क होता है। लो रिस्क इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे अगर एक डॉक्टर का क्लिनिक है, अगर वो एक एरिया में नहीं चला तो दूसरे एरिया में चल जाएगा, है ना, दूसरे में नहीं चला तीसरे में चल जाएगा। लेकिन बिजनेस जरूरी नहीं है, बिजनेस अगर जैसे अगर किसी का जींस का बिजनेस है और जींस आउट ऑफ फैशन होगी इंडिया में, तो कहीं भी जींस बना ले इसका नहीं चलेगा, है ना। जो चीज आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती है तो वो बिजनेस कहीं का ही रहता, कहीं नहीं चलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क है, इसमें कम रिस्क है। और सिंपल ये भी फंडा है कि देखो बिजनेस के अंदर तो बिजनेस चल रहा है मशीनों से या जो भी उसने फैक्ट्री दुकान, तो अगर ये उसके पास से चला गया तो बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन यहां पर क्या डॉक्टर
जो अगर एक है तो क्या उसकी डॉक्टरी जो उसकी नॉलेज है वो थोड़ी ना कोई छीन लेगा उससे, वो तो उसके पास हमेशा रहेगी ना, चाहे उसके क्लिनिक रहे ना रहे। लेकिन उसकी जो एडवोकेट है जो उसने लॉ पढ़ा है तो वो पढ़ा हुआ कोई कैसे छीन सकता है किसी से। तो इनके पास इनकी क्वालिटी हमेशा रहेगी, ठीक है, इनकी एसेट इनकी खुद की नॉलेज है वो हमेशा रहेगी। लेकिन इनकी एसेट जो है वो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो चली गई तो बिजनेसमैन फेल। इनकी एसेट्स कभी नहीं जाएगी, ठीक है, इनकी नॉलेज इनके माइंड में है तो वो कभी भी नहीं जाएगी। चलो, तो रिस्क की बात कर रहे थे हम, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसमें रिस्क लो है या मतलब बहुत कम रिस्क है। एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में तो कोई रिस्क ही नहीं है क्योंकि इसमें इसका कुछ लगता ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोड ऑफ कंडक्ट कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लेकिन प्रोफेशंस में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉक्टर का एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि डॉक्टर कभी भी किसी को ट्रीटमेंट देने से, इलाज करने से मना नहीं करेगा, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। ये उसका कोड ऑफ कंडक्ट है कि उसे एक बीमार आदमी को ट्रीट करना होगा, पैसा बाद में या कुछ और फैक्टर या उसका रिलीजन कुछ नहीं देखेगा, वो उसको ट्रीट करना ही होगा। तो इसका कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसे ही क्लाइंट एडवोकेट का कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो क्लाइंट की सीक्रेट बातें किसी से शेयर नहीं करेगा, ठीक है। ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, तो ये प्रोफेशनल्स के साथ बहुत हाई होते हैं, तो इसलिए इनको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। कि और क्या नौकरी में कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं? हो सकते हैं कि बॉस ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हो, तो बस वही फॉलो करने पड़ते हैं एम्प्लॉइज को, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट कौन से होते हैं? एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, जो बॉस ने कहे हैं, जो एम्प्लॉयर ने कहे हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। तो ये बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का एक कंपैरिजन था, बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट है।